खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव परिवारवादी लोग हैं। ये राजनीतिक क्षेत्र में अपने परिवार की विरासत बढ़ा रहे हैं। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं। सभी को धैर्य के साथ न्यायपालिका पर विश्वास रखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल अभी निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव के मठाधीश माफिया के बयान पर कहा कि समाजवादी पार्टी का ये चरित्र है कि हमारे साधु संतों, मंदिर मठों, आस्था के प्रतीकों के बारे में ऐसा बोलते हैं, जबकि हमारी सरकार अपराध को पूरी तरह खत्म करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महापर्व 2024 में आज इस सदस्यता अभियान में गांव बबेड़ी सदर विधानसभा गाजीपुर में हम लोगों ने इस सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सदस्यता ग्रहण करने के बाद 2 सितंबर 2024 से ये अभियान प्रारंभ हुआ है और इस अभियान को पहले चरण में हम लोगों ने सभी गांवों में जाकर बूथों पर सदस्यता करने का पार्टी का निर्णय है। हमें 25 तारीख तक ये काम पूरा करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमें संगठन भी बनाना है। तो ऐसे सभी हमारी प्राथमिक इकाई बूथ है, तो बूथ पर 200-200 सदस्य सभी बूथों पर बने, ये पार्टी का संकल्प। अगले चरण में हम लोग सामूहिक सदस्यता करेंगे। अगला चरण 1 अक्टूबर से और 15 अक्टूबर तक हम लोग सामूहिक सदस्यता कैंप लगाकर, बड़े बड़े विद्यालय हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, और सामूहिक सदस्यता कर हम लोग करेंगे। देश भर में भारतीय जनता पार्टी का 11 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य। हमने 4 राज्य ऐसे हैं जो चुनाव से प्रभावित हैं, उन लोगों को छोड़ा गया है, और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग घर घर जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस अभियान में अपना सहयोग कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी का स्वरूप है, सर्वव्यापी सर्विस प्रसिद्ध, इस अभियान को हम पूरा करेंगे। सर, अभी मैं देख रहा था कि नए जो सदस्य बन रहे हैं उनकी जगह पुराने सदस्यों का रिन्यूअल भी हो रहा है। रिन्यूअल नहीं है, हमारी सदस्यता का कालखंड 6 वर्ष का होता है, तो सदस्यता का कालखंड समाप्त हो गया, तो हम सबको नए सिरे से सदस्य बना रहे हैं। तो उसमें कुछ सदस्य पहली बार बन रहे हैं और कुछ कम से कम 10-10, 15-20 बार बन रहे हैं। तो जैसे मैं हूँ, मैं सन 1988 से भाजपा का सदस्य, लेकिन संगठन में 6 वर्ष बाद संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि हमें सदस्यता, पुरानी सदस्यता शून्य हो जाएगी और हमें नया नवीनीकरण अपना कराना पड़ेगा। तो हम लोगों का लक्ष्य जो है वो सब नया ही माना जाएगा, और पार्टी का जो 3 करोड़ का उत्तर प्रदेश में लक्ष्य है, 11 करोड़ का देश में लक्ष्य है, मुझे विश्वास है कि हम सब कार्यकर्ता मिलकर उसे पूरा करेंगे। सर, सदस्यता अभियान के दौरान जो है आपको राहुल गांधी और अखिलेश यादव आप कह रहे थे कि उनकी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बात की आपने कि उनको किस परंपरा को बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा हमारा संगठन लोकतांत्रिक संगठन, हम लोग सामान्य परिवारों से बढ़ के एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में लोग आगे तक पहुंचे हैं। आज कोई जिले में नेतृत्व कर रहा है, कोई राज्य में कर रहा है, कोई देश में कर रहा है। ये परिवारवादी लोग हैं, ये अपने परिवारों की राजनीतिक क्षेत्र में विरासत बढ़ा रहे हैं, ये मैंने बात की। सर, आज एक खबर, बड़ी खबर आई है, अरविंद केजरीवाल की जमानत मंजूर हो गई है और सशर्त कुछ उनके ऊपर बंदिशें लगाई हैं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसमें सर सत्यमेव जयते का नारा लग रहा है, क्या कहेंगे इसको? अब अभी जमानत मिली है उन्हें, कोई उनके उन्हें निर्दोष तो घोषित किया नहीं है, दोष मुक्त तो किया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोगों को, देश के नागरिकों को धैर्य रखना चाहिए और सब, हम सबको न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास। सर, एक बात आ रही है कि वो जब जमानत पे रिहा है और कोर्ट ने ऐसा कर दिया कि अब वो सेक्रेटरिएट में नहीं जाएंगे, फाइल में दस्तखत, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, तो लेकिन मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि हम सबको धैर्य रखना चाहिए और देश की न्यायपालिका में सबको विश्वास है, अभी वो जमानत पर रिहा हुए, दोष मुक्त नहीं है। सर, आजकल अखिलेश यादव हमलावर है, मंगेश यादव एनकाउंटर पे,
जाति पर सवाल उठा रहे हैं कि जाति देख के एनकाउंटर हो रहा है, ऐसे में मठाधीशों को उन्होंने माफिया बना दिया। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है, उनका इतिहास आप होते हैं तो जिस प्रकार से उनके साथी सहयोगी हमारे सनातन धर्म के बारे में, साधु संतों के बारे में, मठ मंदिरों के बारे में, हमारी आस्था के प्रतीकों के बारे में जिस प्रकार की बयानबाजी वो करते हैं, वो उनका चरित्र है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी के नेतृत्व में राज्य में और मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में, हमारा संकल्प है हमें अपराध को समाप्त करना। जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, सरकार विधि सम्मत कठोर कार्रवाई बगैर किसी भेदभाव के कर रही है। क्या लगता है सर 2027 में क्या होने वाला है? नहीं, हम लोग अपने, हमारी जो नीति है, हमारी सरकारों के जो काम है, हमारे जो कमिटमेंट है, संकल्प है, उसे लेकर लगातार जनता के बीच में है और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। यादव का दावा है कि 2027 में सपा की सरकार बनेगी तो सारे बुलडोजर गोरखपुर भेज दिए जाएंगे। अब सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन अभी 2.5 वर्ष का समय है और हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, हम अपने कामों के दम पर जनता के बीच में हैं और मैंने जैसे कहा कि हमें विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद योगी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिलेगा। सदस्यता अभियान में निकले हैं सब, क्या कहना चाहेंगे जनता से? अभी जो मोटा मोटा सूचनाएं आती हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 60 लाख लोग सदस्य बने, देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा सदस्य। जैसा मैंने बताया कि हम लोगों को लक्ष्य पूरा करना है और घर घर जाकर हम लोग समाज के सब वर्गों को, सब क्षेत्रों में सदस्य बना रहे हैं और इस सदस्यता अभियान का के माध्यम से हम अपने संगठन की रचना, संगठन का पुनर्गठन, संगठन का गठन करेंगे और एक प्रभावशाली और सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी जो भाजपा है, उस भाजपा सबके सामने आएगी।